हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास सिक्स का जो चैप्टर है इंग्लिश का, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। तो वो हम लोग पढ़ेंगे आज। हम लोग इंग्लिश के, आपकी इंग्लिश के बुक का चैप्टर है हनी सकल बुक का, चैप्टर फर्स्ट है। तो पढ़ते हैं। पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क, टू बोरिंग ही सेड। मतलब पैट्रिक कभी होमवर्क नहीं करता था। वो क्या बोलता, टू बोरिंग, मतलब कितना बोरिंग है होमवर्क करना। उसे होमवर्क करना बहुत बोरिंग लगता था। ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड। निंटेंडो क्या होता है, होता है, साइड में लिखा है, अ वीडियो गेम। तो उसे हॉकी खेलना पसंद था, बास्केटबॉल खेलना पसंद था, निंटेंडो खेलना पसंद था, यानी कि वीडियो गेम। और उसकी टीचर्स उसे बोलती थी, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग। And it's true, sometimes he did feel like an ignoramus, but what could he do? He hated homework. तो यहाँ पर बोला है कि उसकी टीचर्स उसे क्या बोलती थी कि पैट्रिक अपना होमवर्क जो है वो जाकर करो, नहीं तो तुम्हें कुछ भी समझ नहीं आएगा, तुम कुछ भी लर्न नहीं कर पाओगे। और ये सच भी था। तो उसको कभी कभी एक इग्नोरेमस की तरह फील होता था। इग्नोरेमस क्या होता है, एक इग्नोरेंट पर्सन जो कि एजुकेटेड नहीं होता, हु लैक्स एजुकेशन, यानी कि जिसमें एजुकेशन की कमी होती है, जो एजुकेटेड इतना नहीं होता। तो कभी कभी उसको एक इग्नोरेमस की तरह लगता भी था। बट वॉट कुड ही डू, अब वो क्या कर सकता, उसे तो होमवर्क बहुत अच्छा नहीं लगता था, मतलब बुरा लगता था। सो देन वन डे ही फाउंड हिज कैट प्लेइंग विद अ लिटिल डॉल एंड ही ग्रैब्ड इट अवे। एक दिन उसने देखा कि उसकी जो कैट है वो एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही थी, और उसने उसे उस डॉल से, डॉल को उस अपनी कैट से छीन लिया। टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल। तो सरप्राइजिंगली, उसके सरप्राइज के लिए वो एक डॉल नहीं थी एट ऑल, बट मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज। तो देखो यहाँ क्या लिखा है कि टू हिज सरप्राइज इट वॉज नॉट अ डॉल एट ऑल, यानी कि उसके सरप्राइज से वो एक डॉल तो नहीं था, डॉल तो बिल्कुल भी नहीं था मतलब, बट अ मैन ऑफ द टाइनीस्ट साइज, लेकिन एक मैन जिसका साइज बहुत बहुत, मतलब सबसे छोटा था। ठीक है, तो एक मिनट। तो देखो जैसा आपको यहाँ पर इमेज में भी दिख रहा है कि मैन जो है वो कितने छोटे साइज का है। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं एल्फ, सिंगुलर एल्फ, और जो हम प्लूरल होता है उसमें, प्लूरल में इसको बोलते हैं एल्फ्स। ठीक है, सो एल्फ को हिंदी में हम लोग बौना भी बोलते हैं। ठीक है, आपने कई फॉक टेल्स में, फेरी टेल्स में, अगर आपने स्नो व्हाइट देखी है तो उसमें भी आपने एल्फ्स के बारे में सुना होगा, सेवन एल्फ्स। ठीक है, तो यहाँ पर बोला है कि जो मैन था वो बहुत छोटे साइज का था, वो डॉल तो बिल्कुल भी नहीं था। He had a little wool shirt with old fashioned breeches and a high tall hat much like witches. तो यहाँ पर देखिए, breeches का मतलब पहले हम लोग देख लेते हैं। breeches मतलब यहाँ पर breeches जो है actually में breeches होता है, right? तो यहाँ इसका मतलब क्या होता है, short trouser, यानी कि जो ट्राउजर्स होते हैं हमारे जो छोटे होते हैं उन्हें हम ब्रीचेस बोलते हैं। द राइटर हियर स्पेल इट फॉर फर्न टू राइम विद द वर्ड विचेस। अब यहाँ पर कुछ राइमिंग वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए हुए हैं, तो उन राइमिंग वर्ड्स, कुछ वर्ड्स के साथ राइम करने के लिए उन्होंने ब्रीचेस को, ब्रिज यूज़ किया है, विचेस के साथ उन्होंने, उन्हें राइम करने के लिए उन्होंने ब्रीचेस को ब्रिज बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोला है कि वूल एक जो है, उस एल्फ ने, उस मैन ने, उस टाइनी से साइज के मैन ने क्या पहना हुआ था, एक वूल की शर्ट। वूल मतलब जो हम लोग ठंडियों में वूलन के कपड़े पहनते हैं, गर्म कपड़े, तो वही बोला है, उसी की शर्ट, वूल की शर्ट उस आदमी ने पहन रखी थी, विद ओल्ड फैशन ब्रिचेस, यानी कि जो पुराने फैशन के, ओल्ड फैशन जो शॉर्ट ट्राउजर्स थे वो पहने हुए थे, एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस। आपने देखा होगा जो चुड़ैल, आपने अगर कार्टून में देखा होगा, ये जो चुड़ैलें होती हैं, विचेस होती हैं, वो ऐसे लंबी सी जो है एक हैट पहनी हुई होती हैं, राइट? तो उसी तरीके की उस मैन ने भी एक लंबी सी जो है, टॉल सी, ठीक है, एक जो है हैट पहनी हुई थी। आपको देखिए इमेज में, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, उसने जो है एक हैट पहन रखी थी, राइट? ही येल्ड, Save me, don't give me back to the cat, I'll grant your wish, I promise you that. तो उस, फिर वो क्या चिल्लाया, चिल्ला के बोला कि save me, मुझे बचा लो, please मुझे उस cat को वापस मत देना,
मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगा, ग्रांट मतलब पूरी दे दूंगा तुम्हें, एक इच्छा तुम्हारी जो है कोई भी एक इच्छा पूरी कर दूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, ठीक है। आगे क्या होता है, पैट्रिक कुड नॉट बिलीव हाउ लकी ही वॉज। पैट्रिक विश्वास, उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि भाई कितना लकी हूँ मैं। अगर आपके पास ऐसा कोई आ जाए तो आप कितने खुश होगे कि आप होमवर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली वो कौन से विश मांगने वाला था कि होमवर्क से रिलेटेबल कुछ, मतलब रिलेटेड कुछ मांगने वाला था। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई हेल्प आ जाए तो आप कितने खुश होगे कि आप अपनी कोई एक विश पूरी करवा सकते हो उससे, राइट। तो ऐसे ही पैट्रिक भी बहुत खुश था, वो बिलीव नहीं कर पा रहा था कि वो कितना लकी है। हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स, तो यहाँ है उसकी सारी प्रॉब्लम्स का आंसर। सो ही सेड, ओनली इफ़ यू डू ऑल माई होमवर्क टिल द एंड ऑफ अ सेमेस्टर, दैट्स 35 days। तो उसने क्या बोला कि मतलब मैं तुम्हें तभी उस बिल्ली के पास नहीं जाने दूंगा, मतलब तभी तुम्हें बचाऊंगा उस बिल्ली से जब तक तुम मेरा, जब मेरा तुम होमवर्क करोगे टिल द एंड ऑफ द सेमेस्टर, सेमेस्टर के एंडिंग तक, जो कि 35 days तक तुम अगर मेरा होमवर्क करोगे तो तुम्हें बचाऊंगा। इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब आई कुड गेट इवन गेट एज, अगर तुम अच्छी जॉब करोगे, अच्छे से होमवर्क करोगे तो मुझे एज मिलेंगे, यानी कि ए ग्रेड मिलेंगे, ठीक है। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिश क्लोथ थ्रोन इन अ हैम्पर। हैम्पर, अ डिश क्लोथ क्या होता है, देखिए अ क्लोथ यूज फॉर वॉशिंग डिशेस, वो डिशेस मतलब वो क्लोथ जो डिशेस को वॉश करने के लिए जो है यूज़ किया जाता है। हैम्पर होता है एक बास्केट जिसकी एक लिड के साथ। तो लिटिल मैन का फेस कैसे रिंकल्ड होता है, मतलब बिल्कुल से सिलवटे पड़ जाना, ठीक है। तो उसका फेस कैसा हो गया था, रिंकल्ड हो गया था, जैसे कि एक डिश क्लोथ होता है जो कि एक बास्केट में पड़ा हुआ होता है, एक रखा हुआ, ठीक है, पड़ा हुआ होता है, वैसा उसका फेस हो गया था, मतलब बिल्कुल सिकुड़ सा गया था, ठीक है। ही किक्ड हिज लेग्स एंड डबल्ड हिज फिस्ट। फिस्ट क्या होता है, जो हमारी मुट्ठी होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फिस्ट। तो उसने अपने पैरों से लात मारी और अपने जो है फिस्ट को बिल्कुल एक मुट्ठी बना ली, और एंड ही ग्रिमेज्ड एंड स्काउल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स। ओह एम आई कर्स्ड बट आई डू इट। तो उसने अपने लात मारी और क्या किया, अपनी मुट्ठी बना ली दोनों हाथों से, बिल्कुल टाइट कर ली, एंड ही ग्रिमेज्ड। ग्रिमेज्ड क्या होता है, स्कोल्ड। ग्रिमेज्ड स्कोल्ड पर्स्ड हिज लिप्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हिज फेस हैड दीज एक्सप्रेशंस शोइंग डिस्गस्ट एंगर एंड अप्रूवल। तो यहाँ पर जो लिखा है ना कि ग्रिमेज्ड स्कोल्ड एंड पर्स्ड हिज लिप्स, इससे पता चलता है कि जो उसके फेस का एक्सप्रेशन था वो कैसा था, बहुत गुस्से वाला, डिसअप्रूवल वाला, ठीक है, जो डिस्गस्ट शो कर रहा हो, ठीक है, तो ऐसा था उसका फेस। तो फिर वो बोला, ओह एम आई कर्स्ड, तो क्या मैं श्रापित हूँ, लेकिन मैं करूँगा। तो ऐसा उसने बोला, एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और जैसा कि वो अपनी बातों का पक्का था, दैट लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क, उसने पैट्रिक का होमवर्क करना स्टार्ट कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, लेकिन एक प्रॉब्लम थी, एक दिक्कत थी। ग्लिच क्या होता है, एक इनफॉर्मल वर्ड है, लेकिन ग्लिच तो देखिए फॉर्मली किसके लिए यूज़ किया जाता है, जब मशीन, किसी भी मशीन में जब ग्लिच कोई फॉल्ट हो जाता है जिससे कि वो सही से वर्क नहीं कर पाती, या फिर कोई उसमें जब प्रॉब्लम हो जाता है, तो ये मशीन में होता है ग्लिच फॉर्मली यूज़, लेकिन यहाँ पर इनफॉर्मली उन्होंने एक प्रॉब्लम के लिए यूज़ किया है कि एक दिक्कत थी, एक प्रॉब्लम थी। वो प्रॉब्लम क्या थी, कि द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प। एल्फ को हमेशा उसके होमवर्क के लिए नहीं पता होता था कि क्या करना है, और उसको हेल्प की ज़रूरत होती थी, तो वो क्या करता, चिल्लाता जोर जोर से कि हेल्प मी, ही हेड से, तो वो बोलता कि मेरी मदद करो, मुझे इसमें हेल्प चाहिए, हेल्प मी। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प, और पैट्रिक को हेल्प करनी पड़ती इन वट एवर वे, बहुत तरीक़ों से, किसी भी तरीके से उसकी हेल्प करनी पड़ती, क्योंकि था तो होमवर्क उसका ही। आई डोंट नो दिस वर्ड, द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल्ड रीडिंग पैट्रिक्स होमवर्क, उसका होमवर्क करते हुए बोला कि मुझे ये वर्ड नहीं पता, गिव मी अ डिक्शनरी, मुझे डिक्शनरी दो, क्योंकि नो व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड साउंड इट आउट बाई ईच लेटर, साउंड इट आउट बाई ईच लेटर। तो उसने बोला कि मुझे ये वर्ड नहीं पता, तो जो ऐसा एल्फ ने बोला, ठीक है, पैट्रिक के होमवर्क को पढ़ते हुए, और फिर वो फिर से एल्फ क्या बोला, मुझे डिक्शनरी दो, नहीं ज़्यादा बेहतर होगा कि तुम डिक्शनरी तो दो ही, साथ में डिक्शनरी निकालो और उसमें से इस वर्ड को ढूंढो
और फिर उसका जो है लेटर बाय लेटर पढ़ो। तो ऐसा उसने कहा, तो व्हेन इट केम टू मैथ्स पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक। मैथ की जब बात आती तो उसका तो लक ही ख़राब था। वॉट आर टाइम्स टेबल्स, तो वो बोलता कि टाइम्स टेबल्स क्या होते हैं, मतलब जो आप लोग पढ़ते हो ना टेबल्स, 2 के टेबल, 20 के टेबल, 19 के टेबल, तो यही सब यहाँ पर बोला है कि पैट्रिक जो है मैथ्स के काम में तो बहुत ही बेकार था, उसका लक अच्छा नहीं था। और एल्फ क्या बोलता, एल्फ श्रीक्ड, श्रीक लिखा है गेव अ शॉर्ट हाई पिच्ड क्राई, एक छोटी सी तेज़ आवाज़ में चिल्लाना, बोलता व्हाट आर टाइम टेबल्स, टाइम टेबल्स क्या होते हैं, वी एल्स नेवर नीड दैट, हम एल्स को तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एल्फ क्या होते हैं, छोटे इंसान, ठीक है, मैंने आपको बताया था छोटे छोटे से जो लोग होते हैं, आपने जो है फेरी टेल्स में पढ़े होंगे कभी, तो वो होते हैं एल्फ। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीजन एंड फ्रैक्शन, तो वो कहता है एल्फ क्या कहता है कि ये टाइम टेबल क्या होते हैं, हम एल्फ्स को तो इनकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, और बोलता कि और ये एडिशन सब्सट्रैक्शन डिवीजन फ्रैक्शंस ये क्या हैं, हियर सिट डाउन बिसाइड मी यू सिंपली मस्ट गाइड मी, बोलता ये मेरे साइड में, यहाँ पर आके मेरे साइड में बैठो और तुम मुझे गाइड करो, सॉरी तो और तुम मुझे गाइड करो, ऐसा वो बोलता था कि मेरी मदद करो, इसमें हेल्प करो मेरे साइड में बैठ कर। एल्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्थ को सॉरी एल्फ को उस एल्फ को ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में तो कुछ भी नहीं पता था, तो टू देम इट्स अ मिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री के बारे में उसको कुछ नहीं पता था, उसके लिए तो एक मिस्ट्री थी। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ शाउटर जस्ट गॉट लाउडर, वो चिल्लाता और फिर बाद में और तेज चिल्लाता कि गो टू द लाइब्रेरी आई नीड बुक्स, कि लाइब्रेरी जाओ मुझे बुक्स की ज़रूरत है, मोर एंड मोर बुक्स एंड यू कैन हेल्प मी रीड दम टू, मुझे और बुक्स लाओ और मुझे लाइब्रेरी जाकर मुझे बुक्स दो, मुझे और ज़्यादा बुक्स दो और तुम मुझे हेल्प करो उन्हें पढ़ने में। एंड सेवन देखते हैं, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग, तो नैग पहले देख लेते हैं क्या होता है, नैग वन हु ट्रबल समवन एट ऑल द टाइम बाय कंप्लेनिंग और आस्किंग देम टू डू समथिंग, मतलब वो ऐसा कोई इंडिविजुअल, ऐसा कोई बंदा बोल लो कि ऐसा बंदा जो दूसरे को, मतलब हमेशा किसी को परेशान करता है, पूरे टाइम ट्रबल करता है कि किसी चीज़ को लेकर कंप्लेन करने में, या फिर उससे कुछ ना कुछ पूछता रहे, कंप्लेन करता रहे किसी चीज़ की। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये एज ये फैक्ट का मैं बिल्कुल मतलब सच ही है कि एवरी डे इन एवरी वे, हर दिन हर तरीके से वो एल्फ जो है एक नैग था, मतलब मैंने आपको अभी नैग का मतलब बताया। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग, ड्रैग देखते हैं क्या होता है, ड्रैग एक इनफॉर्मल वे है समथिंग डल एंड अनइंटरेस्टिंग, कुछ डल सा और कुछ अनइंटरेस्टिंग सा। तो पैट्रिक जो था वो हार्ड, बहुत ज़्यादा और मेहनत करने लगा, मतलब पहले से ज़्यादा मेहनत करने लगा, उसने कभी इतनी मेहनत नहीं करी थी, देन एवर मतलब उसने कभी इतनी मेहनत नहीं करी थी, एंड वॉज इट अ ड्रैग मतलब और उसके लिए क्या था, ये अनइंटरेस्टिंग था। तो ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, ये वो हैड फेल्ट सो वियरी, वो रात भर जाग रहा था और उसको बहुत ज़्यादा वियरी यानी कि टायर्ड, बहुत थका हुआ लग रहा था। वॉज गोइंग टू स्कूल विद हिज आईज पफ्ड एंड ब्लेरी, और वो अपनी आँखें जो है कैसे कैसे, मतलब कैसी आँखें स्कूल लेकर जा रहा था, बहुत फूली हुई सी। जब आप लोग, मतलब आप लोग भी, आप लोग तो नहीं, अगर मतलब आपने देखा होगा जब कोई रात भर जागता है तो उसकी आँखें सुबह कैसी हो जाती है, मतलब फूली फूली सो जाती है, नीचे जो है डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो वही उस वैसे उसका जो है आईज़ होती थी पफ्ड एंड ब्लेरी जब वो सुबह स्कूल जाता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो, फाइनली स्कूल का वो लास्ट डे आया, वो 35th डे आया और एल्फ जो है वो फ्री था जाने के लिए। एज़ फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, होमवर्क की बात रही तो और होमवर्क था ही नहीं, सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, स्लाइली क्या होता है सीक्रेटिवली, मतलब सीक्रेटली, ठीक है। तो अब होमवर्क तो था नहीं, तो उस एल्फ ने क्या किया, चुपचाप से जो सीक्रेटली जो है वो बैक डोर से निकल लिया, मतलब चला गया। तो पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को तो ए ग्रेड्स मिले, हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, लेकिन उसके क्लासमेट्स अमेज्ड थे, हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर्स स्माइल कर रहे थे और उनको बड़ा ही अच्छा लग रहा था, और उसके पेरेंट्स, पेरेंट्स का क्या,
दे वंडर्ड वॉट हैड हैपेंड टू पैट्रिक। उन्हें तो लग रहा था कि भाई पैट्रिक को हो क्या गया है, ठीक है, क्योंकि उसके आज से पहले इतने अच्छे ग्रेड्स नहीं आते थे और इस बार उसके एज आए हैं सीधा, तो उसके पेरेंट्स को लग रहा है भाई इसको हो क्या गया है। ही वॉज नाउ द मॉडल किड। अब वो मॉडल किड था कि मॉडल हम लोग एक तरीके से बोल सकते हैं कि जिस बच्चे को एज अ मॉडल लिया जाता हो एक अच्छे बच्चे का, ठीक है। सो क्लीन हिज रूम, डिड हिज चोर्स, वॉज चेयरफुल, नेवर रूड, लाइक ही हैड डेवलप्ड अ होल न्यू एटीट्यूड। तो क्या हुआ कि अब उसका बच्चे का पूरा एटीट्यूड उसका चेंज हो चुका था। एटीट्यूड क्या होता है ना कि पहले यहाँ पर किड देख लेते हैं, चाइल्ड, ठीक है, किड तो चाइल्ड ही होता है। चोर्स, चोर्स मतलब वर्क दैट मस्ट बी डन एवरी डे, ऑफन बोरिंग। तो चोर्स होते हैं जो डेली के काम होते हैं, जैसे आप क्या करते हो डेली, ब्रश, ऑब्वियसली सब करते हैं, ठीक है, घर की सफाई सब करते हैं, तो वही होते हैं चोर्स। एटीट्यूड क्या होता है, अ फीलिंग अबाउट समवन और समथिंग, किसी को देखने का नज़रिया, किसी चीज़ के लिए उसका नज़रिया, ठीक है, वो होता है एटीट्यूड। तो अब क्या हुआ कि अब वो एक मॉडल किट था, वो अपने अपने जो है रूम साफ खुद साफ करता था, अपने सारे चोर्स करता था, काम करता था, और वो बहुत चीयरफुल था, कभी भी किसी से रूडली बात नहीं करता था, और जैसे कि उसने पूरा अपना न्यू एटीट्यूड जो है डेवलप कर लिया, बहुत न्यूली वो सबसे बिहेव करता था, अच्छे से बिहेव करता था। यू सी इन द एंड पैट्रिक स्टिल थॉट ही हैड मेड द टाइनी मैन डू ऑल हिज होमवर्क। तो देखिए आपको भी लग रहा है कि एंडिंग में जो है पैट्रिक को अभी उसको लगता था कि उस छोटे सा जो टाइनी मैन था, वो जो एल्फ था, उसे लग रहा था पैट्रिक को कि उसने उस टाइनी से मैन से ही अपना सारा होमवर्क करवाया है। बट आई शेयर अ सीक्रेट, लेकिन मैं एक सीक्रेट शेयर करती हूँ कि जस्ट बिकॉज यू एंड मी, इट वॉज नॉट द एल्फ, पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ। कि एक सीक्रेट शेयर करती हूँ, मतलब जो भी राइटर है वो बोलते हैं कि एक सीक्रेट शेयर करता हूँ जस्ट बिटवीन यू एंड मी, ये सीक्रेट सिर्फ आपके और मेरे बीच में ही रहेगा, कि इट वॉज नॉट द एल्फ। जो पैट्रिक को लग रहा था कि उसने उस एल्फ से अपना काम करवाया, ऐसा नहीं था, वो एल्फ नहीं था, पैट्रिक ने ही अपना सारा काम खुद किया था, ठीक है, क्योंकि पैट्रिक ही उसकी सारी मदद करता था, वो ही खुद बुक पढ़ता था, तो पैट्रिक ने ही खुद ने ही अपना सारा होमवर्क किया। तो ये है था चैप्टर में। अब अगली वीडियो में हम इसके आंसर द क्वेश्चंस के साथ आएंगे, तो तब तक के लिए गुड बाय। एंड इसके आगे एक पोएम भी है, अ हाउस अ होम, तो इसको लेकर भी मैं जल्दी ही आऊँगी आपके साथ, तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।